नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो नसरल्ला की मौत के बाद अब लगातार टेंशन जो है वो बरकरार है। कई कमांडर हिजबुल्ला के मारे गए हैं और अब ये कहा जा रहा है कि हिजबुल्ला भी चुप बैठने वाला नहीं है। नए कमांडर की खोज जरूर की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल को कैसे मारना है, नेस्तनाबूद करना है, ये भी वो प्लान करने की तैयारी में इस वक्त दिखाई दे रहा है। क्या है आगे की उसकी रणनीति, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, नसरल्ला की मौत के बाद टेंशन बरकरार है, कहा यह जा रहा है ईरान अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है, लेकिन हिजबुल्ला भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। आगे आने वाले एक आध दो दिन में कोई बड़ा स्ट्राइक हो सकता है, इसके लिए कोई खास रणनीति बनाई जा रही है। क्या है वो रणनीति, बताइए। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सबसे पहले हम आपको बताएं कि बीती रात इसराइल में क्या हुआ है। देखिए, इसराइल और जो प्रॉक्सीज हैं ईरान की, इनके बीच में आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि हम 48 घंटे में या अगले दो तीन दिन में कुछ बड़ा हो सकता है, और देखिए वही हुआ। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से हिजबुल्ला जो है वो लगातार इसराइल के ऊपर पलटवार कर रहा है। अगर हम बीती रात की बात करें तो हिजबुल्ला ने 35 रॉकेट्स उत्तरी इसराइल के अलग अलग ठिकानों पर लॉन्च किए हैं, जिसमें से कई सारे रॉकेट्स इसराइल के ऊपर गिरे भी हैं। कई इलाकों में, रिहायशी इलाकों में, कई जगह से धुआं और आग की लपटें उठती दिखी हैं। तो देखिए, कई सारे रॉकेट्स जो इसराइल का कहना है कि जो आयरन डोम सिस्टम है इसने उसको हवा में तबाह कर दिए, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो कि हिजबुल्ला की तरफ से भी कहा गया है कि कई सारे रॉकेट्स उत्तरी इसराइल में कई रिहायशी इलाकों पर भी गिरे हैं। लेकिन एक बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। देखिए, ये एक बड़ी बात है। अगर इतना सब होने के बाद भी हिजबुल्ला की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक होता है तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी बात है। और जैसा कि इजरायली फोर्सेस की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने जो आयरन डोम सिस्टम है उसने इसको डिटेक्ट कर दिया और बैलिस्टिक मिसाइल गिर नहीं पाई, लेकिन फिर भी हिजबुल्ला के पास, देखिए, इतने लगातार अटैक इसराइल कर रहा है, नसरल्ला की मौत हो चुकी है, तमाम जितने बड़े कमांडर्स हैं वो एक के बाद एक सबको जो है इसराइल की तरफ से मारा जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी अभी भी हिजबुल्ला जो है वो लगातार रॉकेट्स फायर कर रहा है। और अभी तो अब नए कमांडर की बात कर रहे हैं कि नए कमांडर बनाए जाएंगे, उनको लेकर इस वक्त चल रहा है, कई सारे नाम आ रहे हैं, उसके बारे में भी जरा हमारे दर्शकों को बताइए। और साथ ही साथ जो ट्रिपल एच पर प्रहार की तैयारी इसराइल कर रहा है, जैसे हमास हो गया, हिजबुल्ला और हुती, लगातार इसराइल की तरफ से भी प्रहार हो ही रहा है, मयंक, रुक नहीं रहा है। देखिए, ऐसा कहा जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं, कि नसरल्ला की मौत के बाद ईरान में एक बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में ईरान के अधिकारी थे, हिजबुल्ला के अधिकारी थे, हमास के कुछ लीडर्स थे और हुती के साथ और भी जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के, इन सब की बैठक हुई है, जिस बैठक में विस्तार से ये प्लानिंग की गई है कि इसराइल को अब कैसे जवाब देना है, इसराइल पर कब अटैक किया जाएगा, कैसे अटैक किया जाएगा, कौन सा प्रॉक्सी किस जगह अटैक करेगा, ये भी ऐसा बताया जाता है कि इस बैठक में इसमें चर्चा हुई है, जो कि सोशल मीडिया पे जिस तरह की चर्चा है इस बारे में और जैसी न्यूज सोर्सेज बताते हैं। तो एक बैठक हुई जिसमें पूरी प्लानिंग की गई है कि किस तरह से इसराइल को निशाना बनाया जाए। अब देखिए, एक दूसरी चीज हम आपको बताएं कि इसराइल के सामने जो है इस समय तीन बड़ी चुनौतियां हैं। देखिए, हमने पहले भी कहा कि जब भी कोई एयर स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक से आप कुछ लीडर्स को मार सकते हैं, लेकिन कुछ बिल्डिंग्स जो है आपने लेबनान में तबाह की, वहां पे बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं कि काफी सारा इलाका जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, लेकिन जब तक आपका ग्राउंड अटैक नहीं होगा तब तक आप पूरी तरह से हिजबुल्ला को ख़त्म नहीं कर सकते, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है। देखिए, इसीलिए इसराइल के सामने तीन बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो सबसे बड़ी ये है कि हिजबुल्ला के पास अब भी बड़ी संख्या में हथियार मौजूद हैं, और इसराइल का भी ये कहना है कि हिजबुल्ला इन हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। ये भी सुनने को आ रहा था कि इसराइल शायद लेबनान के बॉर्डर के अंदर दाखिल होगा, मयंक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी भी वो लगातार हवाई हमले ही कर रहा है, वो हुती पर भी कर रहा है, वो हिजबुल्ला पर भी कर रहा है, लेकिन अभी तक ग्राउंड अटैक की बात कही। देखिए, ग्राउंड अटैक जो है वो अगला स्टेप अगर है तो वो ग्राउंड अटैक ही है, क्योंकि देखिए जो बड़े लीडर्स थे वो एलिमिनेट हो चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन देखिए अब भी बड़ी संख्या में हथियार मौजूद हैं। जैसे कि पहले वीडियो एक जारी किया गया था हिजबुल्ला की तरफ से, जिसमें दिखाया गया था कि काफी सारे रॉकेट लॉन्चर्स थे, मिसाइल्स थे। तो अब ऐसे में सवाल यह है कि जब तक हिजबुल्ला के पास ये हथियार मौजूद हैं तब तक इजराइल के लिए चुनौती है। की बात की जाए, 50,000 लड़ाके, यानी कि उनकी एक अपनी पूरी सेना है, और सिर्फ उनके लीडर्स को मारने से
हाँ, जो है वो लक्ष्य पूरा नहीं हो जाएगा। देखिए हाँ, एक बात तो ये तय मान के चलिए कि भले आपने जो है वो टॉप लीडर्स को मार दिया होगा, लेकिन उसके बाद भी अगर नेतन्याहू ये चाहते हैं, और शायद यही वजह है कि नेतन्याहू कह रहे हैं कि वॉर अभी रुकेगा नहीं, क्योंकि वो इस बात को, इसराइल इस बात को अच्छे से समझता है कि जब तक हिजबुल्ला के पास हथियार हैं, जब तक उनके लड़ाके मौजूद हैं, तब तक ये युद्ध लगातार जारी रहेगा। ठीक है मयंक, जैसे 21 दिनों का युद्ध विराम की बात हो रही थी, यूएन में भी हमने देखा, लेकिन नेतन्याहू ने कहा कि नहीं, हम किसी तरह का युद्ध विराम, क्योंकि वो समझते हैं कि अभी हमने जो डैमेज किया, अगर उसको कंटिन्यू ना किया जाए तो एक बार फिर से हिजबुल्ला सर उठा सकता है। शायद यही वजह है कि वो 21 दिनों का युद्ध विराम नहीं चाहते। बिल्कुल, आईडीएफ की तरफ से भी ये साफ बोल दिया गया है, नेतन्याहू की तरफ से भी बोला गया है कि ये युद्ध अभी किसी भी हालत में रुकेगा नहीं। और इसकी बड़ी वजह भी यही है कि देखिए, हिजबुल्ला के नसरल्ला, भले उनकी मौत हो गई हो, उनके लीडर्स नहीं है, लेकिन हिजबुल्ला के पास हथियार हैं। वो हथियार कहाँ हैं? उनके लड़ाके बड़ी संख्या में अब भी मौजूद हैं। वो कब अगला कदम उठाएंगे, कब अटैक होगा, ये अभी भी साफ नहीं है। बिल्कुल, मेरी कुछ डिफेंस एक्सपर्ट से भी बात हो रही थी, अब भारत के ही है, उन्होंने भी कहा कि देखिए, ऐसा है कि हिजबुल्ला को कम आंकना ठीक नहीं है, क्योंकि हिजबुल्ला के पास अभी भी फोर्सेस हैं, हिजबुल्ला के पास अभी भी हथियार हैं, और जो नेतन्याहू है वो यही चाहते हैं कि उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जाए, हिजबुल्ला को ख़त्म किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी आने वाले एकाध दिन बहुत टेंशन भरे हैं। देखिए ईरान बड़ा हो सकता है। बिल्कुल, देखिए ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जितने प्रॉक्सीज हैं ईरान के, वो सब हिजबुल्ला के साथ खड़े हैं, और इसराइल को पछताने पर मजबूर किया जाएगा। ये बयान जो है वो ईरान की तरफ से जारी किया गया है। अब देखिए, अगले कुछ दिनों में एक तरफ तो ये फ्रंट हिजबुल्ला के साथ लेबनान में खुला हुआ है, दूसरा जो है वो यमन में भी स्ट्राइक कर दी है इसराइल ने, तो हुती जो है, हुती के लड़ाके भी जो है वो भी हमला करने के लिए तैयार है, और वो कर भी रहे हैं। हाँ। और ऐसा बताया जा रहा है कि सीरिया और इराक में कई जगह अमेरिकन जो बेसिस हैं उनको निशाना बनाया गया है, और उनके जो लाल सागर में जो शिप्स हैं, कमर्शियल शिप्स हैं, इसको लगातार जो है हुती संगठन जो है वो निशाने बना रहा है। तो देखिए, एक तरफ हुती से भी जो है एक नया फ्रंट खुलता दिख रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि वेस्ट बैंक की तरफ प्रॉक्सीज जो है, जिसकी हमने पहले भी चर्चा की थी, वेस्ट बैंक की तरफ बड़ी संख्या में हिजबुल्ला और हुती के जो लड़ाके हैं वो बड़ी संख्या में जो है वो वेस्ट बैंक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो एक प्रकार से देखिए, ये वॉर अभी कहीं खत्म होता थमता नहीं दिख रहा है। भले खेमनई के भी अगर बयान हमने देखे पीछे, जैसे ही नसरुल्ला की मौत हुई तो खेमनई ने भी कहा कि देखिए, इसको इस मौत को तो हम ऐसे खारिज नहीं कर सकते, या उनकी मौत बिल्कुल ऐसे कि जाया नहीं जाएगी, उसका बदला हम लेंगे। खेमनई भी अपनी तरफ से बहुत सारे बयान दे रहे हैं। इधर ईरान भी एक तरह से कह लीजिए कि अब उसको फ्रंट फुट पे खेलना होगा, जिस तरह से हमला हुआ है नसरुल्ला पर। तो कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि देखिए, अगर ईरान चाहता भी, इसराइल यही, कि ईरान अब डायरेक्ट वॉर में उतरे ताकि उसको भी निशाना बनाया जा सके। देखिए, ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजिश्कियान, इनकी तरफ से एक बयान आया है कि अब सबको एकजुट होना चाहिए और लेबनान को युद्ध में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। तो ये ईरान की तरफ से देखिए स्टैंड क्लियर है। और दूसरी तरफ आप एक बात देखें कि जो रूस के प्रधानमंत्री हैं, वो आज मिखाइल पिशुस्टिन, वो आज जो है ईरान के दौरे पे हैं, और वो ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, ये बड़ी बात है, रूस के प्रधानमंत्री का इन हालात में ईरान जाना, ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात करना। इस बैठक में कहा जाता है कि आगे क्या रुख रहेगा ईरान का इस पूरे क्षेत्र में युद्ध को लेकर, ये तय होगा। हमने देखा कि नसरुल्ला की मौत के बाद पूरे वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरी दुनिया भर में इसको लेकर हर एक देश ने अपनी कई आशंकाएं जताई है, और ये कहा है कि इस तरह के हमले ठीक नहीं है, इससे मध्य पूर्व के हालात और बिगड़ सकते हैं। यानी चाहे वो रूस हो, चीन हो, ताइवान हो, या फिर चाइना हो, या बाकी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, सब ने इस पर रिएक्शन दिया। यानी सबकी नजरें हैं कि अगर यहाँ से हालात बिगड़ते हैं तो पूरी दुनिया के लिए ठीक नहीं होगा। देखिए, अब इसके युद्ध के बाद पहले हमास हो गया, फिर लेबनान हो गया, हुती से भी लगातार इसराइल ने हमले शुरू कर दिए हैं। अब अगला स्टेप क्या इसराइल वर्सेस ईरान युद्ध होने वाला है? पूरी दुनिया की नजर अब सिर्फ इस बात पे टिकी हुई है, क्या इसराइल का अगला निशाना ईरान है? अगर ये ईरान वर्सेस इसराइल का युद्ध होता है, अगला हमला अगर ईरान पे होता है, तो फिर आप एक बात मान के चलिए, जैसे कि जो बाइडन कह रहे थे, ये खाड़ी युद्ध की तरह एक नया युद्ध शुरू हो जाएगा। और अगर ईरान पे हमला होता है तो फिर ये सिर्फ ईरान और इसराइल की लड़ाई नहीं रहेगी, ये अमेरिका वर्सेस रूस की भी लड़ाई हो जाएगी।
रूस खुल के ईरान के साथ खड़ा हुआ है, अमेरिका जो है वो इसराइल के साथ खड़ा है, और ये हालात फिर एक बार यूक्रेन और रूस के युद्ध की तरह हो जाएंगे कि पूरी दुनिया जो है वो दो खेमे में बटी दिखाई देगी। बिल्कुल, और देखिए ये सबसे बड़ी बात है, टेंशन की बात यही है कि क्या अब इसराइल और ईरान में डायरेक्ट युद्ध होने वाला है, क्योंकि सबकी निगाहें इसी पर है। नसरुल्लाह की मौत के बाद जो हालात है, जो टेंशन है वो काफी बढ़ चुकी है, और अब ये देखना होगा कि किसकी तरफ से अब आगे हमला होता है, और ईरान की भूमिका पर सबकी नजरें बनी हुई है। इस खबर पर लगातार हम बने रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।